नमस्ते जी, मैं दीपाक्षी मंटो अपनी किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी किचन में एलोविना या थिक मिर्च के साथ स्टार्टर, बहुत ही बेहतरीन स्टार्टर रह गए हैं, तो चलिए बनाते हैं इसे। बरसात का मौसम हो या फिर सर्दी का, शाम की चाय के साथ सर्व करने के लिए ये एक बेहतरीन स्टार्टर है, जिसे बनाना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्हें वॉश करके हमने ड्राई कर लिया है, तो पहले हम इन्हें सेंटर से स्प्लिट भी कर लेते हैं और इन्हें डिसी भी कर लेते हैं। पहले इसे हम इस तरह सेंटर से कट कर लेते हैं और इसे सिरे तक काटने के बाद हम इसे ऊपर वाले सिले से भी साइड से कट कर लेंगे, जिससे सीड्स निकलने इजी हो जाएगा। अब हम सीड्स में भी कट मार लेते हैं और उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से बाकी सारी चिलीज को भी हम रेडी कर लेते हैं और इन्हें साइड पर रख लेते हैं। अब इसका बैटर बनाने के लिए हम 1 बाउल ग्राम फ्लावर यानी बेसन इसे बाउल में ऐड कर लेते हैं और 1/4 बाउल राइस फ्लावर इसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और अब इसमें हम ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। तो पहले इसमें हम 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड कर लेते हैं, 1 पिंच हींग है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और ये रेड चिली पाउडर। अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसमें वाटर ऐड कर लेते हैं। इस बैटर को हमें रनिंग नहीं बनाना है, इसलिए इसमें वाटर हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। चलिए तो थोड़ा सा वाटर इसमें और ऐड कर लेते हैं। इस बैटर को बनाने के लिए 1 कप पानी लगेगा और देखिए ये बैटर इस तरह से रेडी होता है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह से चाहिए। अब 2 पिंच इसमें हम मीठा सोडा ऐड कर लेते हैं। चलिए तो सोडे को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसे साइड पर रख लेते हैं। कढ़ाई में पहले ऑयल ऐड कर लेते हैं। ऑयल गर्म है तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। राइस फ्लावर ऐड करने से इसमें क्रिस्पीनेस आती है। हम इस एलोपिनो या थिक मिर्च के कट के अंदर बेसन को फिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए फिलिंग हम अलग से रेडी करेंगे। हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं। इसके लिए फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। इसे एक साइड से पकने में 3-4 मिनट लगेंगे और उतना ही वक्त दूसरी साइड से पकने में। चलिए तो अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और इसे दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। चलिए तो अब इन्हें प्लेट में निकाला जाए और इनके लिए स्टफिंग रेडी की जाए। ये बहुत ही क्रिस्पी रेडी हुई, अब इनके लिए डिलीशियस स्टफिंग रेडी की जाए। तो स्टफिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, उसमें हमने 1 अनियन को चॉप किया है, 1 मीडियम साइज का पोटैटो है जिसे बॉईल करके हमने छोटे पीस में कट कर लिया है, ये ग्रीन कोरिएंडर है, 1 लेमन का जूस इसके लिए हमें चाहिए। तो चलिए पहले बाउल में हम अनियन और पोटैटोस को ऐड कर लेते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें सॉल्ट ऐड कर लें और 1/4 टेबल स्पून चिली पाउडर। अब इसके टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए इसमें हम चाट मसाला भी ऐड करेंगे और रोस्टेड जीरा पाउडर। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं और जो लेमन हमने काट के रखा है उसे स्क्वीज कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून इसके लिए हमें लेमन जूस चाहिए, इसलिए आप एक पूरा नींबू इस पर निचोड़ लें। तो चलिए अब नींबू को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम ग्रीन कोरिएंडर जिसे हमने चॉप करके रखा है उसे भी ऐड कर लेते हैं। बस अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं और ये स्पेशल अनियन मसाला स्टफिंग रेडी है। तो हम फिलिंग के लिए पहले चिलीज को कट कर लेते हैं। इन्हें हम वहीं से कट करेंगे जहां से हमने इन्हें पहले कट किया था, जिससे फिलिंग करने में इजी होगा। अब हम अनियन फिलिंग को एक बार मिक्स भी कर लेते हैं
और उसके साथ इसकी स्टफिंग भी कर लेंगे। ये स्टार्टर बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। चलिए इसे साइड पर रख लेते हैं और बाकी सब्जी भी स्टफिंग कर लेते हैं। ये सभी को हमने रेडी कर लिया है, तो हम गार्निशिंग करते हैं। इनकी गार्निशिंग हम सेव भजिया के साथ करेंगे, इसीलिए इन्हें मिर्ची भजिया कहते हैं। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक्स। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी और नए आइडिया के साथ।